नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन टिप्स पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं यह है वाटर लिली के ऊपर। आज के वीडियो में मैं आपको वाटर लिली को लीफ से ग्रो करने के बारे में ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स में समझाऊंगा, हर एक चीज़ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने एक मित्र के यहाँ से वाटर लिली के दो बड़े साइज के लीव्स को कट करके ले आया हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये वाटर लिली के लीव्स हैं, पत्तियाँ हैं। ठीक है, इसको इस साइज का तोड़ना है आपको, कम से कम इतना बड़ा, देखिए इतना। इससे क्या होगा कि आपकी लीफ को ग्रो होने के लिए जो थोड़ा बहुत आवश्यक तत्व रहते हैं वो इस डंडी के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देने की योग्य बात यह है कि जब भी आपको वाटर लिली को लीफ से ग्रो करना है तो ये देखिए, पत्ती के बीच में किस तरह का डॉट रहता है। अगर आपके किसी फ्रेंड के यहाँ पे या कहीं पे भी आपको वाटर लिली मिल जाए तो उसकी पत्ती में अगर इस तरह का डॉट है, जैसे डॉट आप देख रहे हैं, इस तरह का एक डॉट है, तो आप उस डॉट की हेल्प से आपके वाटर लिली को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कैसे करना है, ये लीफ को आपने कट करके लिया है, कट करके लाने के बाद इसको सिंपल आपको एक बाल्टी में या किसी भी कंटेनर में पानी भरना है। पानी भरने के बाद में आपके वाटर लिली के पत्तों को कुछ इस तरह से आपको डिप कर देना है। हो गया, कुछ दिनों के बाद में, ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह भी नहीं लगेगा, एक सप्ताह के बाद आपके वाटर लिली में छोटी छोटी सी लीव्स और जड़ें ग्रो होने लगेंगी यहीं से, सेंटर से। ठीक है, फिर उसको आप ग्रो कर दीजिए आपके पॉट में, जिसमें भी आपने सॉइल मिक्स डाले हैं वाटर लिली को लगाने के लिए, आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं अपडेट देता हूँ आपको। आज फर्स्ट डे है, 5 दिन के बाद की अपडेट आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज 7 दिन हो चुके हैं हमारे वाटर लिली के पत्तों को पानी में डिप किए हुए, जिसका रिजल्ट आप ये देखिए, छोटी छोटी सी लीव्स आना शुरू हो गई हैं, साथ ही थोड़े थोड़े से कुछ जड़ें इसमें से निकल चुकी हैं, एक तरह से अंकुरित आप कह सकते हैं। ठीक है, ये 7 दिन की रिपोर्ट है। इसके बाद में मैं आपको अगले सप्ताह की रिपोर्ट दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो भाइयों आज 15 दिन है, मैं आज की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ आपको। मैंने, ठंड का सीजन चल रहा है इस समय, इसलिए एक कांच को अपनी बाल्टी के ऊपर ढाँक दिया था, ताकि रात में जो ठंडा मौसम रहता है उसके कारण हमारे छोटे छोटे प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम हटाते हैं, अंदर आप देख सकते हैं मैजिक। ये देखिए आप, आपके प्लांट्स की जो लीव्स हैं, नीलकमल जिसको बोलते हैं कुछ लोग, यानी कि वाटर लिली, इसकी लीव्स में से बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट हो चुका है। निकाल के दिखाता हूँ आपको मैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए रूट्स आ गई हैं इसकी, बड़ी बड़ी पत्तियाँ आ गई हैं। अब हमको इसको क्या काम करना है, इसको पॉट करना है, हमारे गमले में लगाना है इसको। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखने वाली यही बात है कि आपको उसी समय आपके इन लीव्स को आपके गमले में लगाना है जब आपके इन पत्तियों के ऊपर इस तरह की जड़ें आना शुरू हो जाएं। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बड़ी जड़ें आ गई हैं और कुछ लीव्स भी आ जाएं, उसी समय आपको इसको गमले में लगाना है। ठीक है, अब आपको गमले के बारे में बता देता हूँ कि कैसा क्या करना है और किस तरह से लगाना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि लीव्स मैंने टोटली निकाल चुका हूँ बाहर। अब हमको क्या काम करना है, ये आपको जो दिख रहा है प्लांट, इस प्लांट के आसपास की जो पत्ती है, ये इस पूरी पत्ती को हमको निकालना है और सिर्फ प्लांट को लगाना है। ये जो जड़ें आई हैं और बीच में क्राउन टाइप का आया है वाटर लिली का, इसको, तो इस पत्ते को हमको पहले कट करना है, फिर इसको गमले में लगाना है। ठीक है, देख सकते हैं कि मैंने अपने इन प्लांट्स को, इनके जो लीव्स है उस लीव को मैंने हटा दिया हूँ, सिर्फ हमारा एक क्राउन बचा हुआ है। तो अब इस क्राउन को हम पॉटिंग करेंगे अपने इस गमले में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने की है कि जो नीचे की डंडी रहती है हमारे लीफ की, उसको थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि
अगर अभी भी ग्रोथ हमको लीव्स के माध्यम से करना है तो जो पोषक तत्व हमारे प्लांट को चाहिए वो भी मिलते रहें, और रूट्स तो हैं ही आपके प्लांट में जो कंपोस्ट से और मिट्टी से एनर्जी प्राप्त करेंगी, ठीक है। तो अब इनको हमको पॉटिंग करना है अपने गमले में, ठीक है। गमले में पॉट करता हूँ फिर आपको बता रहा हूँ। तो भाइयों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज 16वां दिन है, मैंने अपने प्लांट्स को कल ही लगा दिया था अपने इस पॉट में, गमले में, जिसमें वाटर लिली लगाना था मुझे, ठीक है। लेकिन कल वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि जो पूरा पानी आपको दिख रहा है ये गंदा हो गया था, तो आपको समझ में नहीं आता कि मैंने क्या प्रोसेस अपनाया हूँ, किस तरह से किया हूँ, तो इसलिए मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है वाटर लिली में कि आपको जानकारी होना चाहिए वाटर लिली और लोटस में फ़र्क क्या होता है। लोटस एक अलग वैरायटी होती है और जो वाटर लिली होती है अलग वैरायटी होती है। लोटस कभी भी ब्लू कलर का नहीं होता है, लेकिन वाटर लिली बहुत सारे कलरों में आती है। जैसे कि ये जो मैंने लगाया हूँ ये वाटर लिली है, ब्लू कलर की वाटर लिली है, जिसे कुछ लोग जानकारी के अभाव में ब्लू लोटस या नीलकमल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वाटर लिली के जो पत्ते रहते हैं हमेशा इस पानी की सतह पर तैरते रहेंगे और लोटस के पत्ते ऊपर जाके ऐसे फैलते हैं जब उसकी एरियल लीव्स आ जाती है तब। जैसे कि ये लोटस का प्लांट लगाया मैंने इस गमले में, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको लोटस का प्लांट आपके घर में लगाना है, उसको ग्रो करना है आपको लोटस को सीड के माध्यम से, तो आप मेरे पहले के वीडियो में आकर चेक कर सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपने वाटर लिली के प्लांट पे। तो जैसा कि भाइयों आप देख सकते हैं मैंने कल अपने प्लांट को अपने इस कंटेनर में लगा दिया हूँ। इस कंटेनर की साइज़ ये है, आपको मैं अपने हाथ के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। देखिए इतनी थिक चौड़ाई होनी चाहिए ऊपर से और ऊंचाई इतनी होनी चाहिए लगभग कम से कम, ठीक है ना। अब इसको रखना कहाँ है आपको, आपको आपके वाटर लिली के प्लांट को लगातार फुल सनलाइट वाले एरिया में रखना है। जैसे ये देखिए मैं अपने सबसे ऊपर के छत पे हूँ इस समय और चारों तरफ से फुल सनलाइट आ रही है, सूरज देवता बिल्कुल हमारे सामने, ठीक है। तो एक ऐसे स्थान पर ही रखना है आपको वाटर लिली के प्लांट को जहाँ लगातार सनलाइट आए, ताकि ठंड के सीज़न में आपके प्लांट को कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। जैसे कि आप जानते हैं ठंड के सीज़न में कमल हो या वाटर लिली हो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए मैंने जानबूझ के ठंड के सीज़न में ही अपने इस वाटर लिली के प्लांट को ग्रो किया हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि ये प्लांट हमारा आसानी से ग्रो हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है। तो मैं आज आपको पूरी प्रोसेस बताते आ रहा हूँ, साथ में ये भी बता दूंगा कि ठंड के सीज़न में आपको कैसे केयर करना है आपके कमल के प्लांट की और वाटर लिली के प्लांट की। तो अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो तो थोड़ा माफ़ करिए मुझे, लेकिन आपको जानकारी देना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हमने वाटर लिली में क्या किया, हमने कट किए लीव्स को, उसको ग्रो किए, उसमें क्राउन बनाए, क्राउन बना के पत्ती को हटाए और जड़ों को यानी कि क्राउन को शिफ्ट किए अपने स्पॉट में। तो पॉट में क्या किए हमने, हमने बाकी लोगों से थोड़ा अलग काम किए हैं, हमने कंप्लीट पॉट में सॉइल भरी है ताकि हमारे प्लांट्स को डेवलप होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त हो सके मिट्टी से, मिट्टी में और खाद में जो भी पोषक तत्व रहते हैं वो सभी मिल सकें हमारे प्लांट को, इसलिए, ठीक है। तो हमने सॉइल मिक्स में क्या क्या डाला है, मैंने 20% अपने घर की गार्डन सॉइल डाला हूँ, लगभग 50-60% हमारे घर के पास में खेत है उस खेत की मिट्टी डाला हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं छोटे छोटे से इसमें बारीक कण दिख रहे होंगे आपको घास फूस के, ये देखिए इतने सारे मैं निकाला हूँ इस मिट्टी से, ठीक है ना। वो इसलिए डाला हूँ क्योंकि खेत में किसान लोग बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, गाय के गोबर की खाद, केंचुए खाद, बहुत सारी चीज़ डालते हैं जिसको उनके प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो बहुत बड़ी मात्रा में उस मिट्टी में ये सब प्रोटीन युक्त, खनिज लवण युक्त पदार्थ रहते हैं, तो वो हमारे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसके बाद में हमने अपने इस सॉइल में डाले हैं लगभग 40%, आप ध्यान दीजिए इस बात को, 30-40% आपको आपके इस प्लांट की जो सॉइल बनाना है उसमें डालना है क्या, गाय के गोबर की खाद और जो बर्मी कंपोस्ट होता है केंचुए से बनी हुई खाद, वो दोनों को मिक्स करना है और डाल देना अपने मिट्टी में। उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो होगी आपकी ये सॉइल, ठीक है। तो ये आपके प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके छोटे छोटे से प्लांट में फूल आएंगे मज़ा नहीं आएगा, और अगर आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करेंगे तो बहुत शानदार किस्म के फूल भी आएंगे
और देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा आपका प्लांट, क्योंकि लीव्स अच्छी रहेगी, शानदार रहेगी, हरी रहेगी। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान आपको यह रखना है आपके इस प्लांट की सॉइल में, वो ध्यान ये रखना है आपको कि जो आपकी सॉइल रहेगी, जो आपने मिक्स बनाया है कंप्लीट, उसमें एक भी बड़े साइज का जो पत्थर होता है वो या गिट्टी वगैरह ना हो। छोटी बजरी या रेत हो तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े साइज़ के पत्थर ना हो, क्योंकि हमारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो कमल की प्लांट की रूट्स हो, लोटस की हो या वाटर लिली की हो, ये बहुत नाजुक होती है। तो इनको ग्रोथ होने के लिए एकदम सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, सॉफ्ट मिट्टी यानी जिसमें पत्थर वगैरह ना हो, ताकि झगड़ना ना पड़े हमारे प्लांट की, इनको रूट्स को आसानी से ग्रो हो जाए। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि आपको ठंड के सीजन में क्या करना है। ठंड के सीजन में जैसे आपने ग्रो किए हैं अपने प्लांट को, फिर वो कमल हो या वाटर लिली हो, तो आपको क्या करना है, आपको लगातार धूप में रखना है आपके प्लांट को, फुल सनलाइट में रखना है, और शाम को 5 बजे के आसपास जैसे ही आप देखेंगे ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है, तो कुछ इस तरह से जैसे कांच की शीट आपको दिख रही, कांच की शीट है, एक ये शीट रखी है कमल के प्लांट के लिए, लोटस प्लांट के लिए, एक ये पन्नी रखी है, इनमें से किसी भी चीज़ का चूज़ कर सकते हैं। और क्या काम करिए, आप कांच की सीट को आपके इस प्लांट के ऊपर टोटली बिछा दीजिए, ताकि ठंडी हवा आपके प्लांट को नुकसान ना पहुंचा पाए। उससे क्या होगा, एक तो ह्यूमिडिटी बन जाएगी आपके प्लांट के लिए, एक तरह से जो ग्रीन हाउस रहता है ना, हाँ ग्रीन हाउस टाइप का आपका ये काम करेगा। क्या होगा, धूप की रोशनी से आपका पानी और मिट्टी तो गर्म हो जाएगी दिन भर में, जब शाम को ठंडा मौसम रहता है अगर आप नहीं ढकेंगे तो आपकी लीव्स खराब हो सकती हैं, गारंटी नहीं लेकिन हो सकती खराब। तो उससे बचाव के लिए आपको क्या काम करना है, ये कांच की शीट को इसके ऊपर बिछा देंगे, उससे क्या होगा आपके इस गमले के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाएगा, उससे आपका प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और ठंड का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठंड में भी आपका प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा और ग्रो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, उसके पहले ये कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, देखिए यार कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए मैं, लगातार 16 दिन से इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके जो चैनल है आपके मोबाइल में अगर लाल कलर से सब्सक्राइब लिख कर आ रहा है तो प्लीज़ उसको टच कर दीजिए, उसके बाद जो घंटी का बटन आएगा उसे भी टच कर दीजिए। ठीक है, इतना तो कर सकते ना आप मेरे लिए। चलिए, और इसके बाद में आपको एक चीज़ और ध्यान देने की ये है, आपके लोटस के प्लांट हो या वाटर लिली का प्लांट हो, दोनों में जब आप कोई सा भी फर्टिलाइज़र देंगे है ना, तो फर्टिलाइज़र कैसे देना है आपको, अभी तो नहीं देना है आपको क्योंकि अभी आपका प्लांट छोटा है, अभी नहीं करना, लेकिन आपको बता देता हूँ जैसे ही गर्मी स्टार्ट होने वाली होगी तो आप एक कपड़े लीजिए इतना बड़ा करीब, उसकी पुटकी यानी कि रोल करिए उसको, उसमें NPK अब कोई सा भी हो, 1919 और 2020 सब नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी NPK 1919 में से ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उसमें डालिए तकरीबन 1 चम्मच या आधा चम्मच आपके गमले के हिसाब से, और उसको इसमें डिप कर दीजिए, ऐसे ही NPK मत दीजिए, उससे क्या होगा ये काई लगना शुरू हो जाएगी आपके पानी में। ठीक है, तो कपड़े में बांधिए, पोटली बनाइए, उस पोटली को इसके अंदर डुबो दीजिए और छोड़ दीजिए, उससे धीरे धीरे आपके प्लांट को NPK भी मिल जाएगा। ठीक है ना भाइयों। चलिए, और अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए मुझसे किसी भी प्लांट के ऊपर, मेरा क्रोटन का वीडियो आप देख सकते हैं, बाकी वीडियो भी देख सकते हैं, एडेनियम के वीडियो देख सकते हैं, किसी भी प्लांट से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी शंका का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर भाइयों बहनों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए। जय श्री राम।